प्रदेश सहित जिले के किसानों के लिए शनिवार का दिन बड़ी खुशखबरी भरा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 49 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि ट्रांसफर की। यह राशि मिलने से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी के कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने राहत राशि मिलने पर किसानों को बधाई देते हुए कहा कि एक समय था जब खेती महज जीवन यापन का साधन होती थी, लेकिन मोदी सरकार और शिवराज सरकार ने इसे आय का साधन बनाने की नीतियों और योजनाओं शुरू की है, जिसमें आज किसान खेती के नीत नए प्रयोग और योजनाओं का लाभ लेकर बेहतर उत्पादन की बदौलत अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने किसानों के खाते में फसल बीमा की 7,618 करोड़ रुपये अंतरित की है। इस योजना से जिले के 1,05,000 किसानों के खाते में 69,69,00,000 रुपये अंतरित किए गए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किसान की जब फसल को क्षति होती है तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, न बीमे के द्वारा न सरकार के द्वारा समय समय पर राहत राशि दी जाती है, इससे उसकी पूर्ति नहीं होती। लेकिन फिर भी एक संबल के रूप में उसको एक ताकत मिल जाए, समर्थन मिल जाए, तो वो आगे भी अपनी खेती की गतिविधियों को बना करके रखे, अपनी जीविका को व्यवस्थित चला करके रखे। क्योंकि आज के पहले 2016 के पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब सूखे से, बाढ़ से, ओलावृष्टि से, अनेक प्राकृतिक कारणों से, कीटों के प्रकोप से फसलों को नुकसान होता था तो उसको किसान को ही झेलना पड़ता था, और किसान हमेशा कर्ज के चक्कर में पड़ा रहता था। लेकिन पहली बार मोदी जी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो नीति बनाई, उसी के फलस्वरूप आज किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इन प्राकृतिक विपदाओं से सामना करते हुए भी निरंतर तरक्की कर रहा है, उसके लिए सरकार ने अनेकों योजना बना के रखी। ब्याज मुक्त ऋण, ये पहले कभी नहीं था। ये बीमा, ये राहत राशि, इसके पहले सरकार राहत राशि भी देती है। इन सब किसानों को जिनको आज ये बीमे का लाभ मिल रहा है, इनको सरकार ने कुछ राहत राशि भी दी है। वो राहत राशि लगभग 8,000 रुपया प्रति हेक्टर है, एकड़ क्या राहत राशि दी जाती है ना, 8,000 हेक्टर 8,000 रुपया दी जाती है, वो राहत राशि अलग है इससे। और इस प्रकार से अनेकों योजनाएं भी चलाई जा रही है। फिर समर्थन मूल्य पर अनाज का उपार्जन, कपास का, गेहूं का, ये भी सरकार करती है। और लागत, खेती में जो लागत लगती है उसका अनुदान, आपने देखा होगा कि पिछले समय में सरकार ने अनेकों, कोई चीज ऐसी नहीं बची, कोई जिंस ऐसी नहीं बची जिस पर सरकार ने अनुदान नहीं दिया। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को बहुत बहुत किसानों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया कि किसानों के लिए, जिनका 2021 में जिनकी फसल क्षति हुई थी और उनके जो बीमे में जिनके जो दावा था उसको स्वीकृत करा के आज लगभग 7,600 करोड़ रुपया के मध्य प्रदेश के किसानों को इसका लाभ वितरित किया जा रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिले भर में कितने किसानों को इसका लाभ मिला? इसका खरगोन में लगभग अभी बताया 1,05,000 किसानों, क्योंकि 1,21,000 किसानों ने बीमा कराया था, क्योंकि बीमा स्वैच्छिक है, और जो स्वैच्छिक बीमा कराया उसमें 1,21,000 थे, उसमें से 1,05,000 किसानों को लगभग 80 करोड़ रुपये ये सहायता बीमे के माध्यम से मिली। तो ये एक किसान के लिए संबल का काम करेगा, ये क्योंकि किसान की फसल क्षति हो जाती है तो उसके सामने कई समस्याएं। आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कहाँ पे है? आज मुख्यमंत्री जी बैतूल में, वो पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को लगभग 7,600 करोड़ रुपये वो
उसका लाभ। योजना आगे भी चलती रहेगी या अगर कुछ किसान रह गए हैं तो उनके लिए? नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली है योजना, है ना, फसल बीमा योजना, ये स्वैच्छिक बीमा योजना जी। और ये पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में है ये चल रही है, और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें हैं, और अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से उनकी बीमे हैं। हमारे यहाँ पर भी वो फसलें जो जो सरकार ने जिन जिन फसलों को मान्यता दे रखी है उनका बीमा होता है। बहुत सी ऐसी फसलें जिनका बीमा यहाँ पर नहीं कर यहाँ भी नहीं होता, देश में भी नहीं, लेकिन फिर भी खास करके जैसे अनाज है, इसमें गेहूँ है, ज्वार है, मक्का है, मूँग, उड़द, तुअर, अरहर, कपास, इन सब पर बीमा होता है। जीविक वगैरह का भी बीमा होता है? जीविक जो निश्चित रूप से जी जैविक खेती भी जो करेंगे उसका भी बीमा होगा। खेती मैंने बताया ना कि वो कपास करे, ज्वार करे, गेहूँ करे, जो भी करे तो उसका बीमा तो होगा, तो उसमें ऐसी कुछ अनिवार्यता नहीं है कि वो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग ही करें, वो जैविक पद्धति से भी खेती करेगा, ऑर्गेनिक खेती करेगा तो उसमें नहीं, वो इसलिए पूछा आपसे कि वो लाभ से वंचित तो नहीं रह जाएगा? नहीं नहीं, नहीं उसका भी उसको लाभ मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।